राम राम दोस्तों, 99% लोग ने चमत्कार सुने हैं, देखे नहीं, पर आज आप अपने हरियाणा में एक ऐसा चमत्कार देखेंगे जिसका विज्ञान द्वारा भी कोई तोड़ नहीं। ऐसा के है यो दोस्तों, एक ऐसा पेड़ जो कटे पाछे भी हवा में लटक रहा। आओ देखें कित है यो पेड़, क्यों यो नू लटक रहा है और के कहानी है इस पेड़ के पीछे की। दोस्तों, जो आपने अपना हरियाणवी चैनल पहली बार देखा है तो भाई सब्सक्राइब फटाफट कर लियो और करवा भी दियो। और जब आप मेरे तक कुछ बात पूछना चाहो, मेरे तक बात करना चाहो तो इंस्टाग्राम पे जी मान जी अपनी आईडी है और आपने में संपर्क कर लियो। भाइयों, आप तो मेरी विनती है, जो पेड़ आपने पहला देख रखे है, आपके गांव में है, गुहान में है, तो नीचे कमेंट करके बताइयो कि जो मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में उनमें कितनी सच्चाई है। भाइयो, यो पेड़ है इसार जिले की आसी तहसील के बाबा जगन्नाथपुरी जी समाधा मंदिर में। दोस्तों, आप इस पेड़ ने साफ साफ देख सको, इसकी जड़ जमा कति अलग होली है अपने तने ते, और फिर भी यो पेड़ नु कति हवा में लटक रहा है। पर चमत्कार यू को नहीं कि यो पेड़ हवा में लटके है, क्योंकि इसके पीछे तो एक कारण है कि भाई जब यू पेड़ नु पड़ा था साइड में एक दूसरे पेड़ पर जाकर टिक गया था। बाप ने को कहा यू के चमत्कार बड़ा बना रहा, यू तो साइड वाले पेड़ पर टिक रहा है। पर दोस्तों, जिस एंगल पर यू टिक रहा है, इस छोटे पेड़ खातर भी इतना आसान नहीं है कि इस पेड़ ने नु अपने ऊपर टैंक रख सका है। पर फिर भी मैं कहूं यू कोई चमत्कार है नहीं, चमत्कार इब आगा आवेगा जब आपने ध्यान दिया हो। तो दोस्तों, इस पेड़ का तना जड़ता ओलिया अलग है, पर फिर भी यू पेड़ कति पूरा का पूरा हरा भरा है। इसके पत्ते लहरावे हैं, पड़े हैं, अटके आवे हैं, चमत्कार यो है। पर दोस्तों, इसके पीछे के कारण है कि जड़ कटे पक्ष भी यो पेड़ सुख्या नहीं, हरा भरा खड़ा है। दोस्तों, आगे की वीडियो आपने साइंस ते पर विश्वास पर आधारित दुनिया पर लेकर जाओगी, तो ध्यान से सुनियो। साल 1570 में एक बालक का जन्म होया। इब आपने को कह रहा है कड़ा कहानी सुनाने लग गया, पेड़ वाली बात बताना है। तो दोस्तों, यह कहानी है ध्यान से सुनियो, या अटके वापस आके इस पेड़ ते जुड़ेगी। जन्म की तो आया हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम के श्री सुंदर श्याम तवर के घर। और दोस्तों, जिस टाइम इस बालक का जन्म हो रहा था, उसे टाइम पे इनके पारिवारिक गुरु पवनपुरी जी भी ओड़े बैठे थे। जुकरे बालक का जन्म होया, बालक ने बाहर लेकर आए कि भाई गुरु जी को आशीर्वाद दुआवा सबसे पहले, तो पवनपुरी जी ने आशीर्वाद दिया और नाम दर दिया गेला गेले जगन्नाथ। और दोस्तों, इब जब आपका दर्द हो रहा हो, करे न्यू कुकर बिना सोचे समझे नाम टेक दिया। पहले तो भाई न्यू है कोई शान आदमी पर टिकवा लिया करते, कौन सा गूगल था क्या भाई, सर्च करेंगे फैशनेबल नेम ऑफ इंडियन बेबीज, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं था, बढ़िया नाम टोक है टेक दिया कर दे। तो आप बात कर रहे थे कि पवनपुरी जी ने आशीर्वाद दिया और बालक का नाम टेक किया जगन्नाथ। जब घर वाले बोले कि गुरुजी दीक्षा के लोगे, तो पवनपुरी जी ने ओ जगन्नाथ बालक ही दीक्षा में मांग लिया। सारे घर वाले अक्के पक्के रह गए कि न्यू कुकर बालक ने दे देंगे भाई, पर गुरुजी ने जो कह दिया वो तो करना ही था। तो सारे घर वाले ने विनती करी पवनपुरी जी ते कि 2 साल हमने दे दो, 2 साल पाछे यो बालक हम आपते दे देंगे। पवनपुरी जी मान के चले तो गए, पर ठीक दूसरे हैप्पी बर्थडे पे पवनपुरी जी उल्टे आ गए कि दो मेरी दीक्षा जगन्नाथ ने मिलते सौंपो। तो घराला ने भी इस बच्चे को गुरु जी आते सौंप दिया। अगले 15-16 साल जगन्नाथ की खूब तप साधना चली। और दोस्तों, जब यो बालक जगन्नाथ एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हो गए, तो एक दिन पवनपुरी जी बोले कि भाई तेरी शिक्षा दीक्षा जगन्नाथ ई भोगी है पूरी और मना चाहिए दीक्षा। तो जगन्नाथ जी बोले बताओ गुरु जी के चाहिए, मैं ला कर दूंगा। तो बोले जा आसी में जाकर शंख बजा, यह मेरी दीक्षा है। और दोस्तों, उस टाइम पर आसी एक मुस्लिमा का इलाका होया करता, पर जगन्नाथ जी तो एक दिव्य पुरुष हो लिए थे, उन्हें किस बात का डर है। वह तो गए, अपना चिमटा गड्ढा दूना लगाया और बजा दिया शंख। बजाया शंख नुको दूर दूर तक सुनाई दिया था। और लोग कानों में जब यह शंख दवनी पड़ी, तो एकदम तो चौंक गए कि रे आसपास तो कोई हिंदू भी कोई रहता, फिर यू शंख किसने बजाया। अगले दिन जब फिर वह शंख की दवनी आई, तो कुछ लोग नुंगले कहने बज गए और उन्हें देखा
एक जवान सा साधु इस शंख ने बजान लाग रहा है, पर उस साधु के चेहरे पर इतना तेज था कि कोई कुछ भी उस तय नहीं कर पाया। अरनुए जगन्नाथ जी रोज शंख छाड़े बजान लगे, पर यह शंख बजन वाली बात गामा गामा बहुत तोड़ी फैल गई कि एक ईसा बाबा रहे जो रोज शंख बजावे, इसको तो कुछ करना पड़ेगा, चाहे तो यू मरना पड़ेगा चाहे बजाना पड़ेगा। बहुत सारे षड्यंत्र हुए लेकिन कोई भी सफल नहीं होया। इनमें तो एक है कि कुछ गामा के लोग चार कुतुब पीर के पास गए कि पीर जी इस बाबा तुम्हारा पीछा छुड़वा दो, यो रोज शंख बजावा है, हमने बजान की बहुत कोशिश कर ली पर हमारी सारी कोशिश असफल हुई, इब तो आप कुछ कर सको हो। तो यूं को है पीर जी शेर रखा कर दे, शेर पर बैठ का है, पर एक नदी पड़ा कर दी बीच में, उनका शेर उस नदी तक पारे नहीं आया। और यह सारी चीज जगन्नाथ जी एक दीवार पर बैठे बैठे देखने लग रहे थे, उनने दीवार तो हुक्म दिया कि पीर जी इतनी दूर तक चाल का आए हैं, तू भी कुछ दूर चाल है। और न्यूकन देवा दीवार जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर बिठाए बिठाए नदी का ना सरक गई, और जब जाकर पीर जी का शेर और पीर जी नदी पार कर पाए। पर इनके आपस में खूब वाद विवाद होया, लेकिन जगन्नाथ जी ने वह भी नहीं मना पाए या जंगा छोड़ना है, और वह भी आर के चले गए। फिर लोगों ने आर के जगन्नाथ बाबा जी के ऊपर इनाम दर दिया कि जो भी इस बाबा ने मार देगा उसने बहुत ठाडा इनाम है देवेंगे। तो एक कसाई था जमालुद्दीन, उसने कहा मैं मार दूंगा बाबा ने, तो हर एक रात बाबा ने मारने चल पड़ा। पीछे पीछे उसके कुछ लोग भी चल पड़े कि देखेंगे किस डाल जगन्नाथ बाबा ने मारेगा। चुकरे जमालुद्दीन बाबा के कमरे में बढ़िया, उसने देखा कि बाबा तो पहले किसी ने मार के घेर रखे तीन टुकड़े कर रखे। कसाई जमालुद्दीन बड़ा खुश होया कि मेरा काम तो पहले किसी ने कर दिया, मन तो जाकर बस इनाम लेना है। और वो जाकर उन लोगों का बोला लो मार दिया था बाबा, वह लोग बाजे बाजे गए और देखा तो बाबा तो राम तो चैन की नींद जगन्नाथ जी सोन लाग रहे। उल्टे आकर वह लोग बोले रे कसाई तना हमें बोले बनाने पाए थे सारे काम में। और दोस्तों भाज का जब बाबा कमरे में गया तो जमालुद्दीन ने भी देखा कि बाबा जी तो राम तो नींद में सोन लाग रहे। वह जमालुद्दीन बहुत डर गया और सारी रात जुगर कटी कटी, अगले दिन बसते हुए बाबा जगन्नाथ जी के पाए में पड़ गया कि बाबा जी मैंने माफ कर दो, मैंने नूर नुकैल आपको मारने की कोशिश करी थी और मैंने अपना चेला बना के अपने आश्रम में रख लो। जगन्नाथ जी बड़े दयालु आदमी थे, उन्होंने उसको माफ भी कर दिया और अपने आश्रम में भी रख लिया। पर दोस्तों एक बार और फिर कसाई जमालुद्दीन ने बाबा को मारने की कोशिश करी खाने में जहर देकर, पर यह जमालुद्दीन कसाई शायद अटके भूल गया था कि जगन्नाथ बाबा जी एक दिव्य पुरुष थे, उनके उस जहर का असर कुछ भी नहीं होया। और तड़की उठकर वह खुद बोले कि भाई तेरे जहर तो जमालुद्दीन है, मैं नहीं मरिया। और दोस्तों इस टाइम पे इस कसाई को अपने आप से इतनी घृणा होगी, इतना खराब लगने लगा इसने कि आश्रम छोड़कर गेट पर जाकर बैठ गया और सारी उम्र गेट पर बैठा रहा और ओड़े इसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों जो इतने प्रसिद्ध इतने दिव्य इतने ओजस्वी पुरुष थे बाबा जगन्नाथ जी इस पेड़ के नीचे तपस्या करा कर दे, कौन से पेड़ के नीचे जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है, तुमसे जड़ कटे पाछे भी नहीं सूख रहा। दोस्तों आप यहाँ जाकर कुछ मन्नत मांगियो, दिल ते आपकी मन्नत जरूर बाबा जगन्नाथ जी के आशीर्वाद तक पूरी होगी, उन्हें के तेज ते उन्हें के आशीर्वाद ते यो पेड़ आज भी हरा भरा खड़ा है। मेरी आप तो यार एक विनती है कि आप गोवा घूमो, शिमला घूमो, कितने घूमो, पर मौका कैट के जो अपने दिव्य स्थल हैं दिव्य पुरुषों के अपने हरियाणा के ओड़े भी जाके आया करो। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, मैं थारा भाई गौरव मान थारा दिल से धन्यवाद करूँ यह वीडियो देखने ते ही।